हेलो एंड स्वागत है आपका कोई वीडियो में। ये है मेरे पास Vivo V25। अगर आपने ये फोन बाय कर लिया है तो भी ये वीडियो आपके काम की है, और अगर बाय करने का प्लान कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि इस वीडियो में आपके इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर है या फिर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स या ऐसे फंक्शन जो आपको पता होते बट आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो या फिर आपको पता नहीं होता कैसे यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें वीडियो में बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है रैम एक्सपेंशन, मतलब आप इसके फ़ोन में 8GB रैम और बढ़ा सकते हो। कैसे? सिंपली सेटिंग पर जाना है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर आपको रैम का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना और यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन है, बस इसको इनेबल रखना है। अभी मैंने इनेबल किया हुआ है, जब आपके इसमें डिसेबल रहेगा तो एक बार इनेबल करके फ़ोन को रीस्टार्ट करने का बोलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो रीस्टार्ट बोल रहा है, तो बस इसको आप रीस्टार्ट कर लेना, देन ये आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक रैम बढ़कर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये वर्चुअल रैम है, बहुत हार्डवेयर जैसा काम नहीं करती बट हाँ आपके फ़ोन को सपोर्ट करती है थोड़ा सा फंक्शन स्मूथ करने में, गेम वगैरह आप खेलोगे तो काम आएगी। अब चलते हैं हम दूसरे फीचर की तरफ। तो दूसरा फीचर है वो है 64 मेगापिक्सल मेन लेंस। अभी क्या है, इस फोन में आपको बैक कैमरा जो 64 मिलता है बट इसको इनेबल करना पड़ता है, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है मोर में। यहाँ पर आपको हाई रिजोल्यूशन का सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन अभी हो रहा है ये हाई रिजोल्यूशन यानी 64 मेगापिक्सल, अभी जो आप फोटो ले रहे हो ना वो 64 पे ले रहे हो, तो यहाँ पर जो फोटो निकल कर आई है ये है 64 मेगापिक्सल वाली। एक्चुअल जो रहती है वो 12 मेगापिक्सल की रहती है, तो इसमें क्या डिटेल वगैरह ज़्यादा है प्लस जूम वगैरह भी आप ज़्यादा कर सकते हो, तो ये काम की चीज़ होती है। जनरली हर किसी को पता नहीं होता कि 64 इनेबल कैसे करना है, डिटेल वगैरह भी अच्छी आती है और ऑटो फोकस भी इसका अच्छा होता है, शार्पनेस वगैरह भी इसकी बेटर होती है, तो हाँ ये काम की चीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता था तो आप पता चल गया 64 पे आपको कैसे लेना है, हाई रिजोल्यूशन नाम से आपको मोर में ऑप्शन मिल जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे फीचर की तरफ। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है मल्टी यूज़र मोड। अभी यहाँ से आप ऊपर जाइए, नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको एक आइकन जैसा ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओनर, एड गेस्ट, एड यूज़र बता रहा है। जनरली क्या है ना, अभी ये जो फ़ोन चल रहा है इसमें अगर आप गैलरी पे देखोगे तो मेरी कुछ फ़ोटोज़ है यहाँ पर जो मैंने लिए, वीडियोज़ वगैरह बनाए, कैमरा टेस्ट वगैरह किया था ना, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है, कॉन्टैक्ट वगैरह है, और ये मेरा एक पर्सनल विंडो है। अब मैं चाहता हूँ किसी और को फ़ोन देना, तो मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है, इसको करना है, और एड गेस्ट पे मैं अगर करता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरा मोड उसको चेंज करके एक नया फॉर्मेट सेट कर देगा, और ये जिसको भी मैं दूंगा ना उसके लिए नया फ़ोन बन गया। तो जितने भी फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, कॉन्टैक्ट थे, जितनी मेरी एप्लीकेशंस थी वो सब हट चुकी है, और अब जो ये फ़ोन लोड होके अपने को मिलेगा ना वो पूरा नया मिलेगा। अभी मैं आपको गैलरी में जाकर दिखाता हूँ कि गैलरी में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा एग्रीन कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये मैंने कोई कट नहीं किया है, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि वापस से मेरे पास फ़ोन आ गया और मैं अपने यूज़र में जाना चाहता हूँ, बस ओनर वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही ओनर पे क्लिक करूँगा ये इस पर स्विच कर देगा और ये मेरा फ़ोन वाला पुराना वाला बन गया। अब इसमें अगर पासवर्ड वगैरह लगा होता तो पासवर्ड से स्टार्ट करता, अगर आप लगाओगे तो, और अगर उसको दे रहे हो तो बिना पासवर्ड के खुल जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो कैमरे से ही रिलेटेड है, बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट का यहाँ पर वीवो ने पोर्ट्रेट में लॉन्च किया है ऑप्शंस। यहाँ पर आप जाओ पोर्ट्रेट में, यहाँ पर आप देखोगे ना F करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अलग अलग मोड मिलेंगे, फ़िल्टर्स मिलेंगे, जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना वो पूरा चेंज होता है। मैं आपको सैंपल्स भी दिखा देता हूँ, मैंने सुबह ही जाकर यहाँ पर लिए थे तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ कि जो बैकग्राउंड में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो पूरा यहाँ पर गोल गोल बना हुआ, ये डिफ़ॉल्ट वाला है। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो पीछे हार्ट्स बने हुए दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए पीछे पूरे बैकग्राउंड में हार्ट्स बने हुए, मैं क्लियर हूँ बाकी बैकग्राउंड में हार्ट बने हुए। इसके अलावा यहाँ पर स्टार वगैरह का भी रहता है, स्टार्स भी बन जाते हैं बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से, तो ये बैकग्राउंड पूरा चेंज कर देता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखोगे तो बटरफ्लाई वगैरह बनी है, ये मुझे अच्छा लगा, बैकग्राउंड पूरा चेंज कर देता है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप इसको यूज़ ज़रूर करना, बैकग्राउंड चेंज करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है फीचर। और यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लावर बन गए, तो कुछ इस तरह के इसके फ़िल्टर है जो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर है वो भी कैमरे से रिलेटेड है, व्लॉग मूवी मोड। कैमरे में जाना है आपको, पोर्ट्रेट के बाद फोटो, वीडियो और ये व्लॉग मूवी, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है व्लॉग मूवी। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिलेंगे, जैसे ये वाला है, ये वाला है, इसके लिए नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों के लिए, ये ऑलरेडी प्रीसेट्स है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, ये वाला मुझे बनाना है, सिंपली क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे अलग अलग फ्रेम्स मिलेगी, 3.6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3.7, इनमें मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यूँ क्लिक करके वीडियो बनाना है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ अभी, बस क्लिक कर करके मुझे अपनी क्लिप ऐड करते रहना है और ये ऑटोमेटिक उसको एक व्लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा। सुबह भी मैंने व्लॉग बनाया था उसका, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हाँ किस तरह से ये बनता है और किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा है फीचर, जो लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, जिनको शौक है व्लॉग वगैरह क्रिएट करने का, तो ये उनके काम की चीज़ है, किसी किसी के काम की है, किसी किसी के नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखो
ये वाला, तो इसने कुछ इस तरह से बना कर दिया है। जाना देखो बस अभी यहाँ पर है ना काफी सारे डायनेमिक इफेक्ट मिलते हैं। क्या होता है जर्नी आप फोन यूज करते हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप इसको बना सकते हो कैसे, यहाँ पर आप जाओगे ना आप सर्च करना या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा डायनेमिक इफेक्ट, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकन एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन आप चेंज कर सकते हो, कैसा आपको रखना है उसका डिजाइन चेंज करते हो। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह से काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। और चार्जिंग का एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, जब आप चार्ज पे लगाते हो तो किस तरह का वहाँ पे आपको आइकन दिखे। तो भाई ये फ़ोन को इंटरेस्टिंग बनाता, थोड़ा सा यूनिक बनाता है। एमोलेड डिस्प्ले में जनरली ये सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यूएसबी इंसर्ट करने के बाद किस तरह से जैसे चार्ज पे आप लगाते हो, प्लग इन करते हो तो किस तरह का एनिमेशन आना चाहिए, ये भी इसमें आप कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑन एनिमेशन यहाँ पर आप कर सकते हो कि किस तरह का होना चाहिए। जैसे आईफोन में आपने देखा होगा एप्पल में जो एनिमेशन होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं और अच्छे लगते हैं देखने में, तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। यहाँ पर आप ये सारे चीज़ों के भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ऊपर से आप विंडो लाते हो ब्लू कलर का, जनरली किसी को ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा है, सिंपली होल्ड एंड प्रेस करना है, यूआई पे जाना, यूआई कलर यहाँ पर आप ग्रीन कर सकते हो, येलो कर सकते हो, कस्टम कलर भी कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो कस्टम कलर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा बहुत नेट वगैरह कनेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा चेंज होकर येलो हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए तो ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। मतलब यूआई भी आप चेंज कर सकते हो इसका, और भी यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हो, विजेट्स वगैरह लगा सकते हो, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, फेवरेट कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, स्पीड वगैरह क्लीन करने का कुछ एप्लीकेशन है जो आप ऐड कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट है वो है डेटा शेयर करने के लिए। यहाँ पर आपको सिंपली प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलती है वीवो की ही, ईजी शेयर। अगर आपने फ़ोन नया लिया है या लेने वाले हो, आपके पास कोई एंड्रॉइड फ़ोन है पुराना, सिंपली ईजी शेयर को ओपन करना है आपको। इसमें क्या होता है ना, जनरली पूरा डाटा एज इट इज़ शेयर होगा, जैसा आपके फ़ोन में पुराने में ना वैसा का वैसा आप इसमें शेयर कर सकते हो। यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र, फ़ोन क्लोन, तो जो फ़ोन क्लोन होता है ये पूरा का पूरा डेटा लेता है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो ओल्ड फ़ोन है, न्यू फ़ोन है, और वही वाले मतलब इसमें आपका मान लीजिए न्यू फ़ोन है और वो वाला ओल्ड फ़ोन है, बस इस तरह से सिंक करना, पूरा का पूरा फ़ोन क्लोन हो जाएगा। डाटा वगैरह बैकअप करने का भी ऑप्शन आता है इसमें, पर इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इजी शेयर ओपन करना और जो स्टेप आपको बताई वो फॉलो करना, देन आपका डेटा पूरा का पूरा शेयर हो जाएगा। ऐसा कैसा कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, चाहे फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट हर एक चीज़ इसमें आ जाएगी। सो जो नेक्स्ट फीचर है वो है डॉक्यूमेंट स्कैनर। यहाँ पर आप अपना कैमरा ओपन करो, देन सबसे लास्ट में आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करो। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये क्रीम है, इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी है पीछे भी लिखी है, तो मैं अगर इसको ऐसे रख कर सिर्फ इतना इतना क्लिक करता हूँ फोटो, देखो यहाँ पर ये अब सारी चीज़ें थी, जैसे बॉटल थी, बैकग्राउंड था, लेकिन इसने क्या दिया है मुझे, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और उसकी भी क्वालिटी अच्छी मिली है मुझे। यहाँ पर जैसे कि स्कैन होके मिलती है ना, तो मैं बहुत काफ़ी छोटे अक्षर भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। और ये सिर्फ मैंने इस क्रीम या इस पाउच के साथ बताया, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे कर सकते हो, बुक वगैरह पे कर सकते हो, कॉपी पे कर सकते हो। स्टूडेंट हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, एंड ऑफिस वर्क भी करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना हो विदाउट PDF और अच्छी क्वालिटी में, तो ये काम आ सकता है। तो सबसे लास्ट फीचर है और ये काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर है, वो है फेस ब्यूटी वीडियो कॉल पर ऑन करने का। जनरली क्या होता है, जब व्हाट्सएप पे कॉल करते हो वीडियो कॉल, तो फेस पे ब्यूटी नहीं आ पाती। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सर्च करना है फेस ब्यूटी, फेस भी लिखोगे आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इसमें यहाँ पर दो एक ऑप्शन आ रहा है फिलहाल, फ़ोन वाला है, ताकि आप जो नॉर्मल वीडियो कॉल करते हो वो, अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, वाइबर, जेलो, लाइन, अपना जूम मीटिंग वाला, सारी चीज़ों पे ये काम करेगा। वीडियो कॉल्स में आप ब्यूटी भी कर सकते हो, ये जनरली लड़कियों के लिए काफ़ी तगड़ी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा वेट करती है, काफ़ी ज़्यादा सर्च करती है इन चीज़ों पे, बट मिल नहीं पाता, ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड है भाई, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। सो ये थे इसके ओवरऑल हिडन फीचर्स, कह सकते हैं, स्पेशल फीचर कह सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे इस फ़ोन को यूज़ करने में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। इसका कैमरा टेस्ट अनबॉक्सिंग ऑलरेडी चैनल पर है, वो आप देख सकते हो। सो इसमें से कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके बताना, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, उस पर मैं या तो डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा या फिर आपको प्रॉपर रिप्लाई करके सारी चीज़ें समझा दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कैमरा टेस्ट, हिडन फीचर्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कैमरा कंपैरिजन सारे इस चैनल पर देखने मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।